आरजेडी के खेमे में आज क्या हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। राबड़ी आवाज से आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, आरजेडी ने कल बैठक कर ली, वो हस्ताक्षर वाली विधायकों की चिट्ठी अपने पास रख ली, आज आरजेडी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में? बिल्कुल, लालू तेजस्वी अंदर हैं, मौजूदा हालात पे नजर बनाए हुए हैं, आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ कल की बैठक के बाद तय हो गया है, ये लोग सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे, ना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जनता के बीच दिखाएंगे कि हमने काम किया, लेकिन नीतीश ने हमको धोखा देने का काम किया दूसरी बार। आज अखबारों में ऐड भी आ गया है। मैं आपको बता दूं, हर तरफ से कोशिश की जा रही है। राजद के लिए एक राहत वाली खबर यह है कि कांग्रेस में कोई टूट नहीं हुई, ये टूट होनी भी नहीं थी। मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई गई, कांग्रेस के करीब 15 विधायक 19 में से पूर्णिया पहुंच चुके हैं, तो ये आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और 16 वाम दल है, सीपीएमएल के 12, सीपीएम के 2, सीपीआई के 2, तो टोटल 16 लेफ्ट के विधायक हैं, लालू से मिले हैं और कहा है कि हर परिस्थिति में हम आपके लिए तैयार है। तो राजद अभी इस राजद को लग रहा है कि आगे चल के हम लोग बड़ा खेल कर सकते हैं, जब नीतीश को बहुमत साबित करना होगा तो उस समय क्या खेल हो सकता है, उसी स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है। आरजेडी ये जान रही है कि नीतीश के पास पलटने का कोई बड़ा कारण नहीं है, जनता हमारे साथ है। जी, तो हर संभावना बड़ी, बड़ी, बड़ी आप जानकारी दे और एक मैसेज और दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, कहिए कहिए। ये जेडीयू के विधायकों को ये मैसेज आरजेडी कैंप से दिया जा रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को बीजेपी साइड कर देगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, बिहार में जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है, बिहार का भविष्य तेजस्वी है, इसलिए आप हमारे साथ आइए, एक युवा नेता का हाथ मजबूत कीजिए। मैं सोर्सेज के हवाले से आप बड़ी खबर दे रहे हैं। और ये जो आपने कांग्रेस के खेमे वाली खबर कही ना, तो मतलब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक अटकलें लगती हैं कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन यहां पर भी जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था, कांग्रेस के विधायक एकजुट, 19 के 19 कांग्रेस विधायक पूर्णिया पहुंच गए हैं, जहां कल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ पहुंचने वाले हैं, उसी की तैयारियों को लेकर वहां पर बैठक भी आज। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं जरा जल्दी से। प्रकाश, जिस बात का जिक्र यहां पर अभी शशांक कर रहे थे कि आरजेडी की तरफ से पूरी कोशिश जेडीयू के विधायकों को यह संदेश देने की कि साहब लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद बीजेपी डंप करेगी नीतीश कुमार को, तो आपको अपना सियासी भविष्य आरजेडी में तलाश लेना चाहिए, ऐसे में जेडीयू में वो बिखराव का कोई डर या तलवार लटकती हुई दिखती है क्या आपको? तो माना, इस सवाल के जवाब से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि पटना में जो सीएम आवास है उसमें जो बिहार के अपर सचिव, अब मुख्य अपर सचिव मुख्य जो है वो कैबिनेट जो है वो एस सिद्धार्थ वो पहुंच गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, हालांकि वो सीएम के साथ भी अटैच हैं, तो जाहिर है कि जो एसीएस कैबिनेट कहा जाता है वो उसके पहुंचने से ये बात साफ हो रही है कि अब जो अगला फैसला होगा, क्योंकि कैबिनेट सचिव जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी मंत्रिमंडल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो इस्तीफा का इशू हो या फिर कैबिनेट में जो रिशफल होता है या फिर नए मंत्रिमंडल का गठन होता है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो कैबिनेट के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्हीं के जरिए होता है। तो वो पहुंच गए हैं सीएम आवास पे, तो जो तैयारियां हैं वो एक के बाद एक होती जा रही है। जहां तक सवाल जेडीयू के नेताओं को, जेडीयू के विधायकों को संदेश देने का है, तो ये थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं लालू यादव। जैसे ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा इस्तीफे का, उसके बाद उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, चाहे वो मनोज झा करें या तेजस्वी करें, जो भी करें, या फिर लालू खुद आए सामने। तो ऐसे में वो जो अटैक होगा, जैसा कि पिछली बार आपने सुना था कि जैसे ही लालू यादव ने अटैक करते हुए कहा था कि ये नीतीश पलटू है, तो उसी तरह से ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार मनोज झा की तरफ से या फिर तेजस्वी या लालू उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा जाएगा उसमें उसका जो मसौदा होगा वो साफ होगा कि तेजस्वी की जो बढ़ती छाया थी, जो उसका कद जो बढ़ रहा था, उससे नीतीश कुमार परेशान हो गए थे और उन्हें कहीं कहीं अंदेशा लग रहा था। तो इस तरह की बातें जो है हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।